लवीर सिंह के मौसम में इससे बढ़िया कुछ तो कुछ कोई नहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। वित्त मंत्री के रूप में किया था, वाणिज्य कर मंत्रालय ने जिस से परिवर्तन किया वो इस बात का साक्षी है कि कैसे करते अब वाणिज्य कर विभाग में आना न पड़े तो कई तरह के फायदे होते। और मैं मंत्रालय को आपने संभाला उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, कंप्यूटराइज कर दिया सिस्टम को। आने वाले दिनों में मगर नया उद्यमी जानता है कि कैसे पहाड़ खोदने के समान काम हो गया है। उद्योग विभाग और सीएसआईडीसी उद्योग मित्र की तरह काम करे, न कि राजस्व विभाग के अधिकारी। बहुत सारे उद्योगपति उसको चीट भेज रहे हैं, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। क्रमशः सभी लोग जो अभी मैं आ जाए सब मैं दादा जी माननीय अमरावाल जी उद्योग एवं वाणिज्य कर प्रधानमंत्री प्रशासन एवं मंच के बैठे ग्राम अवरत करते मुझे अत्यंत महसूस हो रहा है। आज स्वाधीनता दिन है, इससे पूर्व 2004 में हमने उद्योग मंत्री के रूप में इसी भवन में उनका स्वागत किया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय अमर अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ के उनके नेतृत्व के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग देते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को वरिष्ठ मंत्री के रूप में उनका यह लगातार सहयोग आज औद्योगिक रूप से प्रगतिशील राज्य के रूप में गणना की जाती है। उसका बड़ा मान इस राज्य के उत्तरी एवं तीव्र औद्योगिक दूसरी बात करना चाहता हूँ कि सिडबी बैंक की स्थापना बिलास सर आ गया माननीय अध्यक्ष। देश की उन्नति में मैन्युफैक्चरिंग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और जिस देश की मैन्युफैक्चरिंग उद्योग व्यवसाय तरक्की करते हैं वो देश तरक्की करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया जो नारा दिया वो उनकी प्रतिबद्धता को बताता है कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में मतलब बड़े बड़े उद्योग भी आए, खासकर डिफेंस में जितना अरबों रुपए का परचेज हम बाहर से करते हैं वो हमारे देश में ही बने, इस बात के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील। और इस बात तथ्य को लगभग सब जानते हैं कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील कंट्री हैं,
और खासकर हमारे भारत देश में जो एक जनरल वातावरण है वो मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ या एक प्रायोरिटी धन से खिलाफ में कर दिया गया। आज ही अगर हम पूरे देश में देखें तथाकथित जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कर कहते हैं, सस्ती राजनीति के लिए इस लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन आज का जो वर्तमान बिल है, क्योंकि उस समय मैं राजस्व मंत्री था और जब ये देश की पार्लियामेंट में ये बिल पास होने वाला था उससे पहले कमेंट्स मांगे गए, मैंने बहुत डीपली अध्ययन किया है उस लैंड एक्विजिशन बिल का और मैंने उसी दिन कह दिया था अगर ये बिल पास हो गया इस देश में कोई उद्योग आ नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से वो बिल पास हुआ और न केवल उद्योग के लिए बल्कि देश की सरकारी और भी एग्रीकल्चर से लेकर सारी योजनाओं में आज असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की अवरोध को दूर करने की, तो एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि किसान विरोधी कदम। अगर ये सरकार किसान विरोधी है और पूर्ववर्ती सरकार किसान समर्थक रही है तो इतनी अच्छी नीतियां किसानों के बारे में बनाई हैं कि आज भी देश का किसान आत्महत्या करता है और अच्छी मात्रा में आत्महत्या करता है। मैं राज्यों के नाम नहीं लेना चाहता। जब तक हमारा दृष्टिकोण हम क्लियर नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम न तो इस देश के साथ भला कर सकते हैं न इस देश के नागरिकों के साथ भला कर सकते हैं। अनेकों अवरोध, क्योंकि रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया बड़े तेज कि हमारा हालत ये हो गई कि एक उद्योग लगाना मतलब 100 शेर के सामने जाना ट्रेड किया जाता है और वो वास्तविकता है। और जल सुनवाई बोलू बिलासपुर नगर के विधायक नगरीय प्रशासन और वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल जी को उद्योग वाणिज्य और सार्वजनिक उपक्रम विभाग भी मिला है, उसी कारण बिलासपुर के उद्योगपति और व्यवसायी काफ़ी प्रसन्न हैं। ऐसी प्रसन्नता का इजहार करने के लिए आज जिला उद्योग संघ बिलासपुर ने उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया था जिसमें माननीय अमर अग्रवाल जी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में बिलासपुर जिले का औद्योगिकरण एक तेजी पकड़ेगा और उद्योगपतियों की जो कठिनाइयां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी।